बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं जॉब लेके आया हूँ वो सिंध के लोगों के लिए हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेगुलर जॉब्स हैं, प्रोविंशियल असम्बली ऑफ सिंध। तो सबसे पहले देखें तो पीटीएस ने अनाउंस किए हैं, ये आज ही अनाउंस हुई है जी, प्रोविंशियल असम्बली ऑफ सिंध। ये अगर आप देखें PTS.org वेबसाइट पहला लिंक ही है, प्रोविंशियल असम्बली ऑफ सिंध जॉब, ये देखें ये वेबसाइट PTS की। तो इस पर ये प्रोविंशियल असम्बली सिंध कोड है 544 और इसमें ये जॉब हैं, कैटेगरी देखते हैं जी। सबसे पहले कंसल्टेंट प्रोविंशियल असम्बली BPS 19, यानी BPS सभी से एक दफा देख लें जो लिस्ट है, इसमें BPS 1 से लेकर जो है 17 तक जॉब हैं, 5 से BPS 5 से लेकर BPS 19 तक। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी ज़्यादा तादाद हैं, तकरीबन 280 के करीब जॉब हैं। सबसे पहले हम ऐड देखते हैं फिर अप्लाई का तरीका भी देखेंगे। तो सबसे पहले है जी, ये आप देखें ऐड तो रेगुलर जॉब हैं। सबसे पहले कंसल्टेंट PAC BPS 19 की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी BPS 18 की, नंबर ऑफ वैकेंसी 5 हैं। और इसके अलावा जो है डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ वैकेंसी एक, रिपोर्टर 5 वैकेंसियाँ हैं जी, असिस्टेंट डायरेक्टर IT, नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। ये तकरीबन जो जॉब हैं ये आप देखें तो इसमें IT की भी हैं, जर्नल भी हैं, इसमें क्लरिकल भी हैं, टेक्निकल भी हैं, हर एक कैडर कवर कर रहे हैं, कारी से लेकर ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी हर फील्ड है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम कैटेगरी वाइज देखते हैं जी, नंबर 7 पे है असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं, वो लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक, सिस्टम इंजीनियरिंग, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऊपर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स BPS 17 की 2 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग 1, एडिटर आर डिबेट्स 1, लॉ ऑफिसर 1, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर BPS 17 सीरियल नंबर 13 देखें आप। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं, रिपोर्टर की 2, असिस्टेंट BPS 16 की नंबर ऑफ वैकेंसी 25, जो क्लरिकल आप कह सकते हैं असिस्टेंट के लिए 25 जो हैं, बहुत बड़ी तादाद है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है सेकेंड डिवीजन में। असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर BPS 16, नंबर ऑफ वैकेंसी 4 हैं, असिस्टेंट रिकॉर्डिंग ऑफिसर 1, सुपरवाइजर लेजिस्लेशन 1, सब एडिटर आर डिबेट 2, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 2, असिस्टेंट लाइब्रेरियन 3, फोटोग्राफर की 1 है, कैमरामैन की 2 हैं, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर जिसकी नंबर ऑफ 28 माशाल्लाह जी, शॉर्ट हैंड टाइपिंग जिन बंदों ने की हुई है 28 वैकेंसी हैं, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, डिप्लोमा मांगा हुआ है जी, सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ वैकेंसी 2, फोटोग्राफर 1, डेटा इंटरप्रेटर 1 वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क 52 नंबर ऑफ वैकेंसी, जो लोग इनको सिंपल टाइपिंग आती है 30 बार पर मिनट और इंटरमीडिएट दिया हुआ है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 52 नंबर ऑफ वैकेंसी दें। इसके बाद है जी लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, सीनियर प्रूफ रीडर 1। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जी, जूनियर ट्रांसलेटर नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, केयर टेकर 14, टेक्नीशियन जो है 1 है, ट्रैफिक कंट्रोलर नंबर ऑफ वैकेंसी 4, रिकॉर्ड क्लर्क नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है, सिक्योरिटी असिस्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसी 20, सिक्योरिटी सुपरवाइजर 10, प्रूफ रीडर की नंबर ऑफ वैकेंसी 3, जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट BPS 7 की नंबर ऑफ वैकेंसी 19, वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट, वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट की नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं, एयर कंडीशनर प्लांट नंबर ऑफ वैकेंसी 10, जिनको AC से रिलेटेड काम है, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का या 2 साल का तजर्बा हो तो भी काम चलेगा, ऑडियो सिस्टम 1, कारी की नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, इसके कुरान वो लोग जिन्होंने इसे कुरान किया हुआ सेंड करने का है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ट्रैफिक कंट्रोल असिस्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसी 10, टोटल मिला के 283 वैकेंसी है, आज ही अनाउंस हुई है, आपने 15 दिन के अंदर अप्लाई करना है जी। नेक्स्ट है जी जनरल एज रिलैक्सेशन 15 ईयर एज पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध इशूड टाइम टू टाइम, और इसके अलावा बाकी ये डिटेल आप देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है जी, PTS की वेबसाइट www.pts.org.pk पर आपने अप्लाई करना है,
और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह करना है, अभी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी तरीका बताएंगे। लास्ट डेट जो है इसकी 8 अगस्त 2023 है, बड़ा टाइम है, आराम से अप्लाई करें। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो हेल्प ले सकता है, इंशाल्लाह पूरी हेल्प करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, ये पीटीएस का एड्रेस दिया हुआ है। तमाम दोस्तों से खास है, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको रिसीव हो सके। आपसे मजीद वीडियो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, आपसे करते रहते हैं, पास पेपर आपसे शेयर करते हैं। तो बाकी देखते हैं अप्लाई का तरीका, ये पीटीएस की वेबसाइट है pts.org.tk, इस पर ये देखें तो ये एडवर्टाइजमेंट खोलेंगे। तो सिंपल ये जो ये पहले इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद बाकी ये जो है जी अब किस कोर्स के अगेंस्ट आपने अप्लाई करना है, आपने व्यू अप्लाई करना है, ये आप देख सकते हैं। अगर भी दोबारा एक दफ़ा की डिटेल में सीरियल नंबर 1 से मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखा रहा हूँ, अगर किसी ने पहले मिस किया है तो अभी देख सकता है कि ये कैटेगरी वाइज है। BPS 5 से लेकर 19 तक वैकेंसियाँ 283 नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है पढ़े लिखे लोगों के लिए। कोई अगर मेहनती बच्चा है, कोई दोस्त के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठा सकता है। PTS की वेबसाइट पर बाकी PTS के पास पेपर भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे, चैनल पर मौजूद है लिंक भी शेयर करेंगे, बाकी भी बताएंगे कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले फर्ज करेंगे आपने अप्लाई करना है किसी पोस्ट के लिए, देखते हैं जी हम सिंपल सी कोई पोस्ट देते हैं, PTS 15-16 की किसी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं। असिस्टेंट के लिए लेट्स से किसी ने अप्लाई करना है तो यहाँ करेगा व्यू अप्लाई पर क्लिक करेगा तो ये फॉर्म खुल गया जी, ये फॉर्म खुल गया है। आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है यहाँ से और ये फिल करना है फॉर्म, और फिल करके असिस्टेंट की ये आपने टेस्ट रिजल्ट टेस्ट सेंटर लिखने हैं, इस पर जो आपकी इंफॉर्मेशन है पूरी डिटेल भरनी है, और यहाँ पे आपने ये टिक करके अंडरटेकिंग ये साइन करना है कार्ड के, और नीचे ये जो चलान फॉर्म है सबसे पहले चलान फॉर्म आपने बैंक में जमा करवाना है, 1,029 रुपये आपने जो अमाउंट जमा करवानी है टेस्ट की 999.30 रुपये बैंक चलान के हैं, HBL के बैंक या UBL भी किसी बैंक में आपने जमा करवाने हैं। तो ये आपने चलान प्रिंट निकाल के चलान जमा करवाना है, फिर वो जो आपकी कापी होगी, आपकी कापी इसमें कौन सी होगी जी, ये PTS कापी है, दूसरी जी बैंक डिपॉजिट स्लिप बैंक कापी होगी एक, और एक जो होगी PTS की कापी। ये लिखा हुआ जी इसमें देखते हैं आपने साथ क्या लगाना है, एप्लीकेशन फॉर्म NOC भी आपको लेना पड़ेगा जी, NOC लेके आपने अप्लाई करना है, जो लोग थ्रू जॉब हैं CNIC आपने अटैच करना है, और जो PTS की कापी है एक तो बैंक ले लेगा, दूसरी कापी जो PTS की आपने फॉर्म के साथ लगा के भेजनी है जी, सिंपल है। एक जो PTS एक बैंक ले लेगा, दूसरी कापी आप अपने पास स्कैन कापी रख लीजिए, ये कापी लगा के फॉर्म के साथ आपने भेज देनी है। बाकी किसी किसी में कोई कन्फ्यूजन हो तो हेल्प ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते कार आप लोगों ने देख लिया, यहाँ से ये क्लिक करेंगे फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ये कहीं भी डेस्कटॉप पे आप करेंगे तो सेव करके और वहाँ से ये प्रिंट लेंगे, सिंपली आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं या किसी बाहर किसी शॉप वगैरह से प्रिंट करवा के आपने ये फॉर्म फिल करके भेजना है। आप किसी और का फॉर्म फिल करना है तो ये देखना जी, कैमरामैन का किसी बंदे ने करना है तो view/apply पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म खुल जाएगा, या सिंपली किसी भी नेट कैफे वाले से गए वो आपको ये दे देगा, पैसे ले लेगा आपसे 20-30 रुपये पर पेज जो है, तकरीबन 4 पेज हैं तो 40-50 रुपया ले लेगा, बाई हैंड आप जो है कर ले पेन से फिल करके तो कर सकते हैं। तमाम दोस्तों के साथ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको रिसीव हो सके। हम आपके लिए जॉब लेके आते हैं, टेस्ट प्रिपरेशन का टीका भी आपसे शेयर करेंगे, तो तमाम लोग अप्लाई करें, तैयारी भी का भी टीका बताएंगे इंशाल्लाह आपको। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें।